ओ भाई इतना कोई बड़ा ना फिशिंग फार्म नहीं होता। सबसे पहले नोट ब्लॉक लगाओ और ट्रैप डोर लगाओ और एक फेंस लगाओ, वाटर बकेट लगाओ और एक हॉपर लगाकर बस बन गया एक, और एक प्रेशर प्लेट लगाओ। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.15 या 1.16 से ये वाला फिशिंग फार्म नर्फ हो चुका है। मतलब कि मीन्स इसकी अब प्रोडक्टिविटी कम हो गया। तो आपको ना इससे कोई भी एन्चांटेड बुक, सैडल, नेम टैग, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो भाई टेंशन किस बात की है। मैं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही वाला फार्म लेकर आया हूँ। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं इंट्रो इंट्रो कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि भाई अब तो यार काफ़ी एपिसोड हो गया, अब आप तो पता ही होगा। तो सबसे पहले तो यार मैंने अपने चेस्ट में ना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अपना सामान रखा है, पहले वो ले लेते हैं। ओके सो भाई आ चुके हैं, ये देख सकते हो मैंने आराम से रखा है। भाई मैं ना एक प्रो बनना चाहता हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा, और बस मुझे एक और चाहिए। मुझे लग रहा है क्या कहते हैं मुझे एक और टॉर्च चाहिए। मुझे दो चाहिए होंगी ना, एक बार मुझे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। एक मिनट मैं टॉर्च भी बना लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो भाई ये जितना भी मेरी इन्वेंट्री में सामान है इतना ही लगेगा, बाकी ये 64 है, इतना नहीं लगने वाला भाई। ये तो मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, 24 लगेंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो चलो भाई सबसे पहले तो यार मैं इलाका साफ कर दूँ यार, थोड़ा सा मैं इधर करा नहीं यार, मैंने उधर कर दिया। और हाँ उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइज यार मैंने इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। क्या कहते हैं हमारे ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म को, बस मैंने इसके नीचे यार माइन कार्ट विद हॉपर लगा दिया और सारी जो ये है ये बहुत ही तेज़ हो गया भाई। मैंने 18 रखे थे, उसके बाद ये 64 वाले अभी खुद हुए हैं भाई, ये बहुत तेज़ है। बस उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सैंड लगा और पीछे इधर इसमें पानी है भाई, इस वाले ब्लॉक में पानी है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसी वॉल बनाई है, और बाकी ये ऑब्जर्वर है, जब होता है तो ये माइन कार्ट विद हॉपर चक लेती है और ये हॉपर सारे जा रहे हैं ऐसे, और ये एक वाला हॉपर है जो वो इस चेस्ट में जा रहा है। तो भाई बहुत ईजी फार्म है ये, मैंने लीवर से रेड स्टोन रेल है वो एक्टिवेट करी है। अगर इस पर भी ट्यूटोरियल चाहिए भाई शॉर्ट्स बना दूंगा, कोई नहीं, बहुत ईजी है, आप स्लो कर कर देख सकते हैं। सो गाइस चलो मैं थोड़ा सा पहले यार यहाँ पर इलाका साफ कर लूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक ही है भाई, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई हमें बनाना है 5x7, 5x7 का 5 मीटर वाइड, 5 ब्लॉक वाइड और 7 ब्लॉक लॉन्ग, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे 5 हो गए। अब इधर को 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7। और आप ये सोच रहे हो भाई 2 2 क्यों ले रहा है, तो भाई एक ब्लॉक मैं भी तो हो गया। तो चलो भाई इसको साफ कर देते हैं और 2 ब्लॉक डिग डाउन करना है, 2 ब्लॉक पहले मैं इसे कर देता हूँ और फिर दो एक और लेयर साफ करनी है। और भाई ये मैंने एफिशिएंसी मुझे मिली थी भाई, एक बंदा हमारा बेच रहा था तो मुझे ज़रूरत भी थी, मैंने उधर भी थोड़ा इलाका साफ किया भाई, और एक हमारा फार्म बनेगा जल्दी से। तो चलो इसे मैं साफ कर देता हूँ, ये देखो अब तो टाइम लैप्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो भाई इतनी ज़्यादा फास्ट है। चलो भाई मैं बस एक बार होल्ड करके रखता हूँ और जब ये हो जाता है तो भाई मुझे लग रहा है सबसे पहले तो मुझे सोना पड़ेगा और उसके बाद हमें करना क्या मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले सो जाते हैं यार, मैं मेरा आर्मर भी देख सकते हो टूटने ही वाला है, मैं बहुत बार मर चुका हूँ यार। और भाई देखते हैं चलो क्या होता है, पहले सो जाते हैं और मैं अपनी इन्वेंट्री भी साफ़ कर लेता हूँ। और गाइस यार ये मेरी बहुत भर चुकी है यार इन्वेंट्री, पता नहीं क्या है। मैं ना एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम भी बनाऊंगा जल्दी, आप देखना भाई, आपको बस एक चेस्ट में डालना और बाकी सारा जितना भी सामान है ना वो चला जाएगा। और मैं यार थोड़े एरोज भी रख देता हूँ, जब मैं बोर होता हूँ ना तो मैं यही सब करता हूँ, मैं रात को ना एरोज के साथ एम करता हूँ भाई, हमारा ओपी वो है तो है, तो भाई मैं रख देता हूँ। ओके गाइस सो फाइनली यार हो चुकी है सुबह और अब मैं आपको बताता हूँ भाई क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो भाई हमें एक छोटा सा यहाँ पर रूम बनाना पड़ेगा, रूम नहीं मतलब चेस्ट ही रखना पड़ेगा। एक मिनट में यहाँ पर, अरे यार भाई एफिशिएंसी ने तो कमाल कर रखा है, हॉपर चाहिए ना हमें। एक मिनट मैं इधर आराम से क्लिक करता हूँ, बस 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 ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट आएगा और कहीं यार मेरी वही ना आ जाए जहाँ पर मैंने वो रखी है, हाँ यहाँ पर हमारा चेस्ट आ जाएगा। बाय चांस कभी क्या होता है ना अब इस फार्म में कि वो गिर जाता है नीचे, क्या कहते हैं लूट होती है ना वो गिर जाती है, आपकी इन्वेंट्री में नहीं आएगी, तो इसी वजह से ये सिस्टम है यहाँ पर। तो आपको ऐसे करके और
एक ऐसे, मैं तो आपको भाई 3 रेकमेंड करूंगा, बाकी दूसरे यूट्यूबर होंगे आपको 2 रेकमेंड करेंगे। भाई आप 3 लगा लो, कोई नहीं, जहाँ एक हॉपर लग रहा है वहाँ नहीं, जहाँ पर 2 लग रहे हैं तो वहाँ पर एक और सही। तो भाई यहाँ पर आप ग्लास लगा सकते हो, मेरे पास ग्लास नहीं है, चलो कोई नहीं भाई। सो गाइज आपने यहाँ पर ग्लास लगा देना भाई, मैं लगा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं यार। अब मैं कहाँ जाऊँगा बार बार, मैं भागना नहीं चाहता आप छोड़कर। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इस सारे वाले को ना भर देना है, मीन्स इसको पूरे को। तो भाई मैं भर देता हूँ सारे को वाटर से। सो चलो भाई हो गया फाइनली हमारा ये रेडी। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, आपको ये फिल कर देना भाई, मुझे काफ़ी देर लग गई पता नहीं क्यों। तो चलो कोई नहीं भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टेम्परेरी ब्लॉक है फिलहाल के लिए, ये देख सकते हो आप 5 वाइड है, तो एक कॉमन होगा आपका भाई, ये अभी तक बचा हुआ है, क्या बात है, डर्ट नहीं, वो ग्रास नहीं बना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1, 2, 3 और एक यहाँ पर, और इसके ऊपर लगा देना है ट्रैप डोर। एक मिनट, और मैं अपनी पिकैक्स लेकर आया हूँ ना, हाँ मुझे तोड़ने भी पड़ेंगे ना ये, तो भाई अब तो मुझे कोई चक्कर नहीं है, अब मैं इन्हें कोई यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप लगा दो, और इसके बाद क्या कहते हैं, इसको तोड़ दो। सो उसके बाद गाइज आपको जाना है 3 ब्लॉक, 1, 2, 3 और एक नोड ब्लॉक प्लेस करना है, और फिर मैं चला जाता हूँ भाई, मैंने पता नहीं क्यों तोड़ दिया। और इसके ऊपर एक और ब्लॉक प्लेस कर देना, और अब इनको तोड़ देना, ये देखो ओके। और उसके बाद भाई क्या करना है कि उसके ऊपर यहाँ पर लगानी है एक ये ट्रैप डोर, आयरन ट्रैप डोर। तो भाई जब, और इसे भी अब आप तोड़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप स्टेयर केस बनाना चाहते हो भाई, स्टेयर केस बना लो, तो भाई आप ऐसे एम करोगे तो उसकी कोई चक्कर की बात नहीं है। सो गाइज अब आपको क्या करना है कि इस पर लगाना है ट्रैप डोर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई ये जो वाला ब्लॉक है ना, उससे आपने एक ऐसे आना है, फिर एक ऐसे आना है, और एक ऐसे आना है। तो आपको एक ब्लॉक दूर रखकर ऐसे तोड़ देना इसे, और देख सकते हो भाई तोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको लगा देनी है एक रेडस्टोन टॉर्च, तो वो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, खुल चुका है भाई, बढ़िया भाई अब खुल गया। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि होने वाला भाई, एक मिनट में यहाँ पर आ जाऊँ, ओ पार्कोर। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाना भाई, 8 भी जा सकते हो, 7 जाना है, 8 इसमें कोई वो नहीं है, वो आप पे रिपीटर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद 1, 2 और इस स्क्वायर को भर दो आप, और ये दो ब्लॉक छोड़ देना भाई, ये दो ब्लॉक अभी वो तो आप पे डिपेंड करता है भाई, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लगानी है ये कहते हैं एक रेडस्टोन डस्ट। उसके बाद 1 इसको भी 3 टिक पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ओ हो, एक मिनट, ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक गलती हो गई, हाँ तो ऐसा होगा भाई, एक उधर को जाएगा 3 टिक पे, फिर एक रेडस्टोन डस्ट, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और इसे हैंड वाले टिक पे कर दीजिए। और उसके बाद भाई हमें क्या करना है, एक ऐसे रेडस्टोन डस्ट लगानी है, और फिर एक करना है 1, 2, 3 और एक रेडस्टोन डस्ट, फिर 1, 2, 3 और फिर वही सेम प्रोसेस। उसके बाद जब भाई यहाँ पर आप आ जाओगे तो ऐसे एक रेडस्टोन डस्ट लगा दो और 1, 2, 3। तो भाई अब क्या होगा कि आप जब अभी हमें इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो भाई चलो सबसे पहले सो जाता हूँ मैं। ओके गाइस, सो फाइनली यार मैं आ चुका हूँ अपना लेकर, ये मटेरियल थोड़ा सा और चाहिए था। तो अब भाई हमें क्या करना है भाई, बहुत ही सिंपल है, अब तो आप कंप्लीट ही हो गया आपका फार्म, कुछ नहीं बचा भाई। अब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो यार, आप सोच रहे होगे भाई इतना है, बहुत हार्ड है। तो ये देखो आपको एक्टिवेट कर देना है, और ओहो नो 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 नो, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या भाई, और इस ट्रैप डोर को बंद होना चाहिए भाई, एक मिनट। सो भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कि आपको ना एक ब्लॉक इसे नीचे बनाना है, एक मिनट बस मैं आपको बताता हूँ, और एक ब्लॉक नीचे यहाँ पर आपको बनाना है, वो भाई मैंने गलती कर दी,
और इसे तोड़ देना ऊपर वाले को। एक मिनट में इसे तोड़ ही डालता हूँ। ये है ना जो इस प्लेटफॉर्म को तोड़ देना भाई। कोई नहीं भाई, सबसे गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी हो गई कोई। मैं आपको छुपा भी नहीं रहा, नहीं तो मैं एडिटिंग करके छुपा भी सकता था भाई, पर मैं छुपा नहीं रहा क्योंकि भाई फिर आपको भी भाई वो लगेगा कि भाई हाँ ये तो चीटिंग वगैरह कर रहा है। तो भाई मेरे से गलतियाँ होती हैं भाई, मैं कर दी भाई अब सॉल्व। कुछ नहीं है भाई, ये देखो मैंने बस ये गलती कर दी कि यहाँ पर ऐसे होनी थी, तो यहाँ पर वो आएगा क्या कहते हैं। और एक मिनट में ऐसे कर देता हूँ। कितने ब्लॉक हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा भाई, हो गया बस, कुछ नहीं था, इतनी सी गलती थी। तो अब आपको ये रिपीटर लगाना है, वही सेम प्रोसेस है भाई। और एक मिनट, रेडस्टोन डस्ट, और अब आएगा वो 1 2 3 2 3। एक और आएगा भाई, एक और आएगा प्लेटफॉर्म भाई, सॉरी इस बार भाई यही गलती हो गई थी। और भाई ये अगर आपका मान लो कि भाई आपके पास ल्यूर 3 और लक ऑफ द सी नहीं है, तो आपको भाई 3 रिपीटर और लगा देने हैं ताकि भाई वो लेट बंद हो। मतलब जितने भी आपकी ज़्यादा एन्चांटमेंट है, सबसे ज़्यादा वाली है तो यही चलेगा, और अगर आपकी सबसे कम वाली है तो भाई काफ़ी टाइम आपको काफ़ी दूर तक लेकर जाने होंगे रिपीटर, ताकि भाई ये प्रॉब्लम ना आए। और एक ऐसे आ जाएगा, और अब भाई इसको हो जाना चाहिए। हाँ ये देखो, यस यस यस, फाइनली भाई चल रहा है हमारा फार्म। और ये देखो बस ये होता रहेगा ऐसे। अगर आपको लगता है भाई आपकी फ़िश नहीं आ रही, मतलब ये आपका लक ऑफ द सी और ल्यूर 3 नहीं है, तो भाई आप इसको ना 5 रिपीटर, ये 1 2 3 4 5 और लगा दो। अगर आपका ल्यूर 2 और ल्यूर 1 है, और लक ऑफ द सी तो भाई मैटर ही नहीं करता, उससे तो बस चीज़ मिलने के चांस ही बढ़ते हैं। तो बस अब तो और कुछ नहीं बचा भाई, इतना ही है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, अच्छी सी फिशिंग रॉड। और एक मिनट भाई, डर्ट तोड़ दी मैंने तो यार। हाँ तो इसके बाद यहाँ पर यार मैंने एक छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैं ग्लास लगा दूँ ताकि भाई यार प्रॉब्लम ना हो हमें, और यहाँ पर हम देख सकें। और हाँ मेरी आ चुकी हैं सारी चीज़ें। तो भाई अब कुछ नहीं बचा, हो चुका है हमारा फार्म रेडी। अगर आप यहाँ तक पहुँचने का कुछ लगाना चाहते हो तो भाई लगा सकते हो, इसमें भी कोई बात नहीं है। बस ये मैंने ईजिएस्ट फार्म बनाया क्योंकि भाई आप भी मेरी तरह लेजी हो गए भाई, कौन इतना बड़ा फार्म बनाना चाहेगा। तो बस आप इसको अगर ढकना चाहते हो ढक सकते हो भाई, पर कोई ज़रूरत नहीं है। और बस इधर आपको क्या करना है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है भाई, फ़िशिंग रॉड लानी है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करना। और एक मिनट यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसे भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक मिनट, और अब तो नहीं। हाँ पहले यार लग रहा था कि मुझे कि फ़्लो नहीं आ रहा है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर वो बना हुआ था, थोड़ा सा होल रह गया था। तो बस अब तो भाई हमारा फाइनली रेडी है। अब मैंने आपको, मैं बता दूँ भाई, मैंने ऑफलाइन में एक एनचांट की थी फिशिंग रॉड, और मेरी किस्मत अच्छी रही, मुझे उससे बहुत ही अच्छी मिली है ल्यूर 3 और लक ऑफ द सी 2, जो कि भाई काफ़ी अच्छी है यार। और हमें मेंडिंग चाहिए, मेंडिंग मैंने रखी है यहाँ पर, मेंडिंग नहीं होगी तो भाई ले भी लेंगे। हाँ ये पड़ी, मुझे पता था मेंडिंग पड़ी है। और इसका नाम मैं फ़िशिंग रॉड ही रहने दूंगा भाई, क्या लोड है, पड़े रहने दो, मैंने कौन सा इसे ज़्यादा यूज़ करना है। तो भाई देख सकते हो हमारी फ़िशिंग रॉड फाइनली रेडी है। अब आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर बैठ जाना है, आपको मैं भाई फ़िशिंग करना भी वो बताता हूँ कि कैसे करना है। और पहले तो आपको एज पे जाना है, यहाँ पर एज पे शिफ्ट दबा कर रखोगे और या फिर क्राउच दबा कर रखोगे अपने फ़ोन में भी, तो भाई यहाँ पर एंड तक जाना है, और ऐसे एक बार छोड़ देनी है, और यहाँ पर एक कास्ट कर दो एक बार, और उसके बाद राइट क्लिक दबा कर रखो, ठीक है, और उसको दबे रहने दो। अब दबाओ F3+T, तो भाई देख सकते हो रिसोर्स पैक रिलोडिंग हो रही है ये। तो इससे क्या होगा कि भाई अब आपका ना राइट क्लिक दबा रहेगा, आप राइट क्लिक छोड़ दो जब ये रेड स्क्रीन आ जाए। तो भाई देख सकते हो मेरी दबी हुई है, और मैं आपको ताली बजा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो भाई अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और इसे थोड़ा सा टाइम देना भाई, ये थोड़ा टाइम लगेगा, और बाकी ये रिपेयर होती रहेगी। अगर आपके पास मेंडिंग है तो इन्फेनाइट फिशिंग हो जाएगी। तो एक बार पहले इसको फिश पकड़ने देना, फिर उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यार मुझे ऐड कर देना चाहिए थोड़ा सा एक और,
और अभी तो यार पकड़ नहीं रही, वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा भाई, अब क्या कह सकते हैं। तो भाई चलो मैं फिर यार मैं सोच रहा हूँ कि ऐड कर देता हूँ यार एक दो रिपीटर और, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो देखो वो आ गई आ गई आ गई, अरे भाई आ रही थी अभी आ रही थी। तो ऐसे ही करते करते आपको छोड़ देना भाई, कोई चक्कर की बात नहीं है। ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा, पर हाँ इसमें लूट बेटर होगी, जो कि भाई वो पहले वाला होता था जो हमारा, उससे तो कतई बेटर होने वाली है। बजाय कि वो आपको बस फिशेस मिलेंगी, इसमें आपको एनचांटेड बुक सैडल सब कुछ मिलेगा। तो भाई मुझे लग रहा है यार मुझे करना ही पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक मिनट भाई छोड़ आ जा, और मैं एक और एक्सपेंड कर देता हूँ भाई, मेरे पास है ना, इसमें एक्सपेंड करने में तो कोई हर्ज नहीं है भाई। एक और एक्सपेंड कर देते हैं, और एक मिनट यहाँ पर और यहाँ पर, और रेडस्टोन डस्ट कुछ नहीं है, ये बस एक इन्फिनाइट सर्किट है, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि भाई ये छोटा पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई रख देते हैं ऐसे ही। और चलो अब देखते हैं ट्राई कर कर, अब थोड़ा टाइम वो मिलेगा। और भाई गलत चला गया, तो बस अब भाई मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा अभी। और पर यार मॉब्स आते रहेंगे तो मॉब्स मुझे मार देंगे भाई, तो अब मॉब्स का क्या करें। और हाँ भाई मैं तब तक आपको दिखा दूँ, ये मैंने कार्टोग्राफर एक और रख लिया था यहाँ पर, और मैंने इसे लेवल अप करा ना, तो भाई ये मुझे ग्लास पेंस में एक एमरल्ड दे रहा था भाई, मैंने इसको बहुत वो करा। फिर ये मुझे ओशन एक्सप्लोरर मैप दे रहा है, वो भी हम लेंगे। तो भाई जाएंगे हम एक्सप्लोरिंग के लिए, और हमें वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप, वुडलैंड मेंशन का भी मिला है, तो भाई वो भी हमारा नया घर हो सकता है, या फिर हम क्या ज़रूरत है यार, तो देख लेंगे। तो ये तो 13 एमरल्ड और एक कंपस, और एक कंपस में भी एमरल्ड दे रहा है, तो भाई ठीक है डील, कोई ज़्यादा बेकार नहीं है। सो गाइज मैंने 10 मिनट्स तक अभी फिशिंग करी, और मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल गई भाई। 10 मिनट काफ़ी होते हैं, मीन्स मैंने थोड़ी सी करी, तो भाई ये मुझे मिली ट्रॉपिकल फिश, रॉ सैलमन, रॉ कॉड। तो भाई आप ना बस, और हाँ भाई मैंने ना देखा पहले, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं करा हुआ था। एक मिनट यार मैं वो भी लेकर आना भूल गया। तो हाँ मैंने इसे टिक पर, एक पर ही टिक पर छोड़ा हुआ था, तो अगर आप ये टिक पर छोड़ोगे ना एक पर, देखो क्या होगा, वो जल्दी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कोई फिश पकड़ी कुछ पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो भाई अगर आपकी ल्यूर 2 है तो भाई 2 रिपीटर और ऐड कर दो, अगर ल्यूर 1 है तो भाई 2 रिपीटर और ऐड कर दो, अगर ल्यूर 3 है तो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐड कर देना। तो अगर फिर भी भाई इसको थोड़ा सा टाइम देना, पहले पहले भाई पहले पहले ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, 10-15 मिनट तो काम नहीं करेगा, पर भाई जो बाद में काम करना शुरू होगा ना, फिर ये एकदम पकड़ने लग जाएगा। टिल देन गुड बाय।